ओके तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रियल टाइम एग्जांपल जावा मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग एक सिनारियो देख रहे हैं जिसमें कुछ एक बैंकिंग रिलेटेड हम लोग क्लासेस बनाएंगे। तो सबसे पहला क्लास रहेगा हमारा बैंक, ठीक है। यहाँ पे एक सिनारियो हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर सिनारियो, फिर बैंक इज ए क्लास दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल SBI, ICICI, एक्सिस बैंक कुड प्रोवाइड 7-8%, 7% एंड 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये बैंक है, यहाँ पे एक मेथड बनाया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, ठीक है। SBI एक क्लास है, ICICI एक क्लास है, एक्सिस एक क्लास है, ठीक है। सब में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का एक मेथड बना हुआ है, सभी का रिटर्न टाइप है फ्लोट, ओके। यहाँ पे जो SBI, ICICI और एक्सिस है, ठीक है, तीनों क्लास इनहेरिट किया है इस बैंक क्लास को। तो ये बन गया हमारा एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसी में ही हम लोग को सेम इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग चार क्लास बनाएंगे और हम लोग इसको करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। आवाज नहीं आ तरह आवाज ओके, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास बैंक ले लिया है, बैंक, इसके अंदर हमने यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिया, रिटर्न जीरो। और यहाँ पे जो ये मेथड बनाया है, एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा जीरो, जो कि बैंक है, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाया SBI, और उसमें हमने इनहेरिट किया इस बैंक को। तो बैंक का गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर एक्सेस होगा, इसके अंदर भी सेम यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का एक मेथड बना हुआ है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 8। ये वाला जो मेथड है वो रिटर्न कर रहा है 0, ये 8 रिटर्न कर रहा है। देन उसके बाद एक और क्लास बनाए हम ICICI एक्सटेंड्स बैंक, ये भी बैंक को इनहेरिट कर रहा है, और यहाँ पे भी एक गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का हमने मेथड बनाया और रिटर्न कर रहा है वैल्यू 7। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाया एक्सिस, एक्सिस एक्सटेंड्स बैंक, यहाँ पे भी बैंक को हमने इनहेरिट किया, और यहाँ पे भी एक सेम हमने मेथड बनाया और रिटर्न कर रहा है 9। तो यहाँ पे हम एक बैंक क्लास है, बैंक क्लास को हमने SBI, ICICI, एक्सिस तीनों में यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है। तो ये हमारे चार क्लास हुए टोटल, और उसमें एक ही नाम का मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सब में वैल्यू अलग अलग रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 8 रिटर्न कर रहा है, यहाँ 7 रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे 8-9 रिटर्न कर रहा है। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाया Test2, इसमें हम लोग ने मेन मेथड बनाया। अब हम लोग बारी बारी से SBI, ICICI और एक्सिस तीनों का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना लिए। SBI S इक्वल टू न्यू SBI, ICICI I इक्वल टू न्यू ICICI, एक्सिस A इक्वल टू न्यू एक्सिस। और यहाँ पे हम लोग SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा प्रिंट कर रहे हैं, S डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, I डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, A डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखना यह है कि किस किस का ये कॉल करेगा। अगर हम लोग SBI S डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं तो SBI का कॉल करेगा ये वाला, जिसका ऑब्जेक्ट उसी का ही मेथड को कॉल करेगा। ICICI का ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एक्सिस बैंक के ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको कॉल करेंगे तो ये वाला एक्सेस होगा। तो इस प्रकार से जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी के ही मेथड को एक्सेस किया जाता है। अगर हमें एक्सिस बैंक के रेफरेंस से अगर ICICI का इस मेथड को कॉल करना है तो हम लोग वहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना रहे हैं और इस क्लास का नाम देंगे बैंक। सेकंड एक क्लास बना रहे हैं हम लोग जिसका नाम दिए SBI। थर्ड एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम दिए ICICI। देन उसके बाद फोर्थ एक क्लास बना रहे हैं
जिसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग एक्सिस। इस बैंक को मैं इसमें इनहेरिट करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा एक्सटेंड्स बैंक। देन उसके बाद सेम यहां पे हम लोग तीनों को क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हम इनहेरिट कर दिए। ठीक है, बैंक को ही हमने SBI, ICICI और एक्सिस तीनों में इनहेरिट कर दिया। देन उसके बाद एक और क्लास बना रहा हूँ, डेमो ओवरराइडिंग। ठीक है, मैं इसी नेम से इसको सेव कर रहा हूँ। ई के अंदर जावा BCA3 डेमो ओवरराइडिंग डॉट जावा, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले बैंक में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ इंट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, सेम यही मेथड जो है मैं सभी क्लास में बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग दे देते हैं 7, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 8, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 9। सभी में हमने सेम नाम का मेथड बनाया, बस ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न अलग अलग कर रहा है। देन उसके बाद हम लोग क्लास ओवरराइडिंग के अंदर में आ जाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग ARGS, और यहाँ पे हम लोग तीनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ SBI, S1 इक्वल टू न्यू SBI। देन उसके बाद मैं बनाता हूँ ICICI का ICICI I1 इक्वल टू न्यू ICICI। देन उसके बाद मैं बनाता हूँ एक्सिस का AXIS एक्सिस A1 इक्वल टू न्यू एक्सिस। मैंने तीनों का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद एक एक करके मैं मेथड को कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SBI, और यहां प्लस देके मैं लिखूंगा S1 डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, S1 डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और तीन बार पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे I1, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे A1, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ICICI, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग एक्सिस। तो हम लोग का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, और इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD जावा BCA3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा सी, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं डॉट जावा। यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे रन जावा डेमो ओवर राइडिंग।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसी का ही यहाँ पे, जैसे मैंने एस वन डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट किया तो हम लोग को यहाँ पे 7 वैल्यू मिल रही है, मतलब ये वाला मेथड कॉल हुआ है SBI का। ICICI के लिए 8 है तो ये वाला कॉल हुआ है, सब अपने ही अपने मेथड को कॉल किए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट किया।